श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो आप सब? तो ईश्वर की कृपा से सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ऐसा क्या था कि मैंने इतनी सारी रेसिपी बनाई? नहीं, ये एक ही दिन की रेसिपी नहीं है, बहुत दिन की है। जितने दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाले हैं ना, तो उतने दिन ये रेसिपी बन रही थी। कुछ कुछ रेसिपी ऐसी थी कि जिनको मैं शूट कर रही थी लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी और ब्लॉग में मेरा टाइम नहीं लगा डालने का, तो वो मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी। आज मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फटाफट से फॉरवर्ड कर दिया है मैंने वीडियो को। तो यहाँ पर बन रहा है ब्रेड पिज्ज़ा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। और रोज़ रोज़ सब्जी रोटी खा के थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है। तो चीज़ कद्दूकस में कर रही हूँ यहाँ पे, और ये बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चे खा भी लेते हैं और इतना अनहेल्दी भी नहीं होते हैं, क्योंकि सब्जियाँ सारी रखी हुई हैं मैंने इसमें। तो बस इसको भर दूंगी मैं ब्रेड के अंदर और बच्चे खा लेते हैं, खुश हो जाते हैं और उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तवा को मैंने रख लिया है गैस में। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि दीदी आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। और एक बहन है निकिता नेगी, तो वो बहुत अच्छा लगता है उनको वीडियो देखना, और वो हर वीडियो में कहती है दीदी आपके वीडियो अच्छे लगते हैं। तो निकिता थैंक यू, आपको दिल से धन्यवाद। और मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मिस हो जाते हैं, और कभी कभार तो दो तीन दिन तक ही मिस हो जाते हैं वो। तो ये देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुके हैं, और बस उनको टिफ़िन में दे दूँगी मैं, तो खुश हो जाएंगी वो। और एक बार फिर से निकिता थैंक यू, बहुत बहुत प्यार मेरी बहन मेरी तरफ से आपको। यहाँ पर जो दूसरी रेसिपी वो है कद्दू की रेसिपी। और सबसे पहले तो ना ये जो कद्दू है ना वो सबसे क्यूट है, बहुत सुंदर लग रहा है, कितना क्यूट है आप लोग देख सकते हैं। तो कद्दू की रेसिपी मैं बना रही हूँ, और ये वाली जो रेसिपी वो मैंने फेसबुक पे भी डाली है, फेसबुक पे अपलोड की है। आप लोगों ने नहीं देखा तो बबीता ध्यानी करके आप लोग सर्च कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज अकाउंट, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे गाँव की बहुत सारी वीडियो और ब्लॉग भी। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को काट लिया है, और अभी कद्दू को छौंकने की बारी है। तो यहाँ पर मैं किस चीज़ में छौंक रही हूँ, मैंने यहाँ पे रखा है जखिया और मेथी रखी है, थोड़ा सा अजवाइन रखा है, और लहसुन काट के रखा है ढेर सारा, और हींग है। तो बस इस चीज़ का तड़का मैं लगा दूंगी कद्दू की सब्जी को। ये मैंने रात को बनाई थी रोटी के साथ, और थोड़ा सा जीरा भी मैंने ऐड किया है इसमें। हल्दी डाल रही हूँ और अब कद्दू को डाल दूँगी। तो कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। आजकल नए नए कद्दू आ रहे हैं, कद्दू का सीजन है, तो इसको अच्छे से घुमा के और बढ़िया से और ढक्कन रख देना है, तो कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालूंगी मैं इसमें, गुड़ का टुकड़ा डालने से बहुत अच्छा होता है। अगर गुड़ नहीं है तो आमचूर पाउडर डाल दीजिए, आमचूर पाउडर भी बहुत अच्छा होता है। बाकी इसमें मसाले बेसिक पड़ते हैं जो हम हर सब्ज़ी में डालते हैं। सब्जी मसाला हो गया हल्दी मिर्च और नमक, बस इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। अगर आपके पास खट्टा कुछ भी नहीं है तो हल्का सा नींबू डाल सकते हैं, मैंने खट्टा नहीं डाला, अमचूर पाउडर डाला है मैंने, नींबू नहीं डाला मैंने, ये गुड़ का टुकड़ा था मैंने डाल दिया है। अब ये सब्जी जब गलेगी ना बहुत अच्छे से, थोड़ा थोड़ा इसको घोट लेना है, तो ये भंडारे वाली सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी होती है, हमें रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो छोटा सा क्यूट सा कद्दू था वो, इतना ही था मैंने बना दिया, और अब हम रोटी के साथ खाएंगे इसको। और ये कटोरी क्यों रखती हूँ मैं, इस पर है छेद, तो भाप ऊपर ना आए, अच्छे से पके सब्जी, इसलिए रखती हूँ कटोरी। अगले दिन जो मैंने वीडियो बनाई वो बनाई है, यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, लौकी दाल। यहाँ पर मैंने लौकी के साथ चने की दाल नहीं भिगाई है, अरहर मलका भिगाया है, इसके साथ भी बहुत टेस्टी होती है। ये टमाटर काट के रखा हुआ है, यहाँ पर प्याज लहसुन अदरक काट के रखा हुआ है बारीक से, और अभी बनाते हैं लौकी दाल की सब्जी, बहुत टेस्टी होती है, सबको अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाते हैं। प्रेशर कुकर मैंने गैस पे रख लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ना कोई भी सब्जी हो अच्छी लगती है। इसमें जीरा डाला है मैंने, जखिया डाला है मैंने, और अब प्याज अदरक लहसुन काट के डाल दिया है, ये कटा हुआ था, मतलब काट के नहीं कटा हुआ था। और इसको अच्छे से भून लेंगे बढ़िया से, और सौते कर लेंगे, प्याज को जलाएंगे नहीं। अच्छे से जब प्याज भुन जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर,
तो टमाटर मैंने डाल दिया है। टमाटर दो मीडियम साइज़ के थे और थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है तो अच्छा लगता है, दाल अच्छी लगती है थोड़ी सी खट्टी खट्टी दाल। और इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी, वे थोड़ा सा टमाटर को गलने देते हैं। और टमाटर यहाँ पे हल्के से गल गए हैं, हल्के से नहीं मतलब अच्छे से गल गए हैं। इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला और हल्दी नमक। तो बस सबको अच्छे से भून लेंगे मसालों को भी, और जितना अच्छे से मसाले भूनते हैं ना अच्छा रहता है। मसाले थोड़ा सा फूल जाए ना फिर उसके बाद सब्जी डालो तो फिर मसाले हार्ड नहीं होते हमारे लिए, मतलब बॉडी के लिए हार्ड नहीं होते, अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से ढक्कन रख दूंगी मैं ताकि मसाले फूल जाए पहले ही और जो उनका हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं लौकी डालूंगी, मैंने ढक्कन हटा दिया था, लौकी डाला है मैंने। और अभी ये देखिए मोटी मोटी लौकी काटी है मैंने, ये दाल भी डाल देते हैं। और हमेशा तो चना मैं बनाती हूँ लौकी के साथ, लेकिन आज मैंने अरहर मलका बनाया है। अरहर मलका भी बहुत टेस्टी होता है और चावल के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पर वीडियो की एडिटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, तो अब सही हो गया है एडिटिंग। और यहाँ पर अच्छे से भुन लिया है मैंने, अब डाल दूँगी मैं इसमें पानी, और पानी डाल के सीटी मरवा देंगे इसमें अच्छे से, और एक सीटी या दो सीटी में हो जाएगा और दाल पक जाएगी हमारी। अगली रेसिपी है कमल ककड़ी की सब्जी। तो कमल ककड़ी लाई हूँ मैं यहाँ पे, और ये काली काली सी हो रखी है, लेकिन इसको अच्छे से मैंने धो दिया है और इसको छील के मैंने रख दिया है यहाँ पर। ये देखिए कमल ककड़ी साफ करके मैंने धो दी है। इसके साथ मैं आलू बना रही हूँ। यहाँ पर लौंग, काली मिर्च, अदरक और प्याज, टमाटर, लहसुन काट के मैंने रख दिया है। अब काटने की बारी आती है कमल ककड़ी की। तो कमल ककड़ी ना बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है, और इसका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत मायने रखता है। इससे हमें भरपूर कैल्शियम मिलता है, और जैसे मखाने से मिलता है ना मखाने खा के कैल्शियम, वही वाला कैल्शियम, क्योंकि मखाने भी इसी के बनते हैं। ये कमल के जड़े हैं और कमल के जड़ों से, कमल के फूल से ही, मतलब ऊपर जहाँ पर भी लगते हैं, लेकिन मखाने इसी से बनते हैं। तो वही वाला न्यूट्रिशन हमें मिलता है, अच्छा होता है ये हमारी बॉडी के लिए कमल ककड़ी। यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, इसमें भी जखिया डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और प्याज, लहसुन, अदरक जो काटा हुआ था वो डाल दिया है। अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से भुनेंगे बढ़िया से, जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, सौते ना हो जाए। अब मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से भुनेंगे, हल्का सा इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे खट्टेपन के लिए। और मुझे खट्टी खट्टी सब्जी ना अच्छी लगती है, और मेरे चक्कर में सबको लग जाती है खा लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे अच्छी लगती है तो मैं सबको खिलाऊँ, ऐसा नहीं है। और हम हाउसवाइफ है ना, तो हमें कोई चीज़ अच्छी लगे ना लगे, भाई परिवार वालों को तो लगना चाहिए फैमिली मेम्बर को, तो सबको अच्छी लगती है खट्टी सब्जी। ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा इनहेल्स हो जाए बस। तो यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया है मैंने, और अब डाल दूंगी मैं सब्जी। मसाले अच्छे से फूल चुके हैं, और इसको भी अच्छे से घुमाएंगे। अभी इसमें प्रेशर की जो ढक्कन है वो नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा सब्जी को अलसने देंगे, ऐसे ही ढक्कन रख दूंगी मैं, उसके बाद सब्जी बन जाएगी। अगले दिन जो मैंने रेसिपी बनाई होगी वो बनाया है बैंगन का भरता, जो कि बहुत पसंद है हमें। और यहाँ पर मैं बैंगन पे पहले तेल लगा रही हूँ। तेल लगाने से क्या होता है ना कि बैंगन जल्दी पकता है, अच्छा होता है और बढ़िया से गल जाता है। तो इसमें मैं चाकू के वो कर रही हूँ, मतलब चाकू से, कि ताकि अंदर तक भुन जाए वो, तो भुना हुआ ही हमें अच्छा लगता है, उस पर बहुत अच्छा स्वाद आता है। आजकल के बैंगन में ना कीड़े नहीं होते, थोड़ा सा देखभाल के भी मैं लाती हूँ, ऐसा कभी कभार निकलता है कि मतलब कीड़ा होगा, वैसे नहीं होगा। और ताजे जो बैंगन होते हैं उन पे इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने गैस पे पका लिए हैं, रख लिए हैं, इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और मेरे पास वो भी है, लेकिन मैंने ना वो रखा नहीं जो इसकी जाली होती है। तो बैंगन तो यहाँ पे पक चुके हैं, अब बनाते हैं इसके लिए मसाला, ग्रेवी वाला। तो आप लोगों को सबको पता है कि ग्रेवी किस चीज़ की बनती है, प्याज, लहसुन, अदरक की ही बनेगी। तो यहाँ पर टमाटर काट के मैंने रख लिए हैं, और बारीक से क्यों नहीं काटे मैंने, इसलिए नहीं काटे हैं कि इनको मुझे चॉपर में पीसना है। और यहाँ पर बैंगन भी भुन चुके हैं अच्छे से, चॉपर में मैं पीस रही हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब पेस्ट बना रही हूँ, इसमें अच्छे से चॉप हो जाते हैं। और अब टमाटर को भी मैं चॉप कर लूँगी,
और मैं ऊपर से कपड़ा क्यों रख रही हूँ, एक दिन ना मुझे करंट का झटका लग गया ऊपर से, वैसे करंट इस पे आता नहीं है, पता नहीं क्यों कैसे मेरे हाथ गीले थे। और यहाँ पर सबसे पहले बैंगन से इसके जो बाहर की पपड़ी है वो निकाल लेंगे, और इसके साथ साथ ही अच्छे से मैं कीड़े चेक कर लूँगी, और थोड़ा सा जो ये दाने हैं ना अंदर के उनको भी मैं निकाल लूँगी बढ़िया से, इनको निकालना सही रहता है। तो निकाल लिए हैं मैंने सारे दाने, और अभी कढ़ाई रखते हैं गैस पे, और वही प्रोसेस, इसमें मैंने ये खूब सारा तड़का डाला है, प्याज अदरक लहसुन डाल दिया है, और तड़के में मैंने जखिया डाला है और लहसुन डाला है, जीरा डाला है और काली मिर्च और लौंग डाला है, चार काली मिर्च और दो लौंग डाली है। और अभी प्याज अच्छे से भुन चुका था तो यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है, इसको अच्छे से भुनेंगे, इसको बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देंगे। तो खूब देर भुनने के बाद मैंने यहाँ पर मसाले ऐड कर दिए हैं, बेसिक मसाले जो होते हैं चार मसाले, हल्दी मिर्च और नमक और किचन किंग मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, ये डाल दिया है मैंने अमचूर पाउडर भी। तो अच्छे से भुनेंगे इसको बढ़िया से, और मसालों को काफ़ी अच्छे से वो होने देंगे, फूलने देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बढ़िया से अच्छे से पक चुके हैं ये, और अब डाल देंगे यहाँ पे ये जो बैंगन है। बैंगन का भरता किस किस को पसंद है ज़रूर बताना, मुझे बहुत पसंद है और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। कई लोग बॉयल करके भी बनाते हैं लेकिन बॉयल करके मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता है। और इस तरीके से ना वो भुनने की खुशबू भी आ जाती है उसमें, भुनने का जो स्वाद है वो आ जाता है। और इसको अच्छे से पकने देंगे आप बढ़िया से 5-7 मिनट से ज़्यादा, तो बस बन गया। और इसमें डाल देंगे लास्ट में धनिया। अगले दिन दोपहर की ये रेसिपी है, यहाँ पर मैं सिंपल वाले चावल बना रही हूँ, नमकीन चावल। तो मैंने भिगाया है यहाँ पे सोयाबीन बड़ी को, और ये डाल दिया है मैंने तड़का, यहाँ पर दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, प्याज, ये सब डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा और जखिया डाला है और हींग डाली है। इतना टेस्टी होते हैं ये चावल ना कि मतलब क्या ही बन रहा है ये, जैसे होते ना नमकीन चावल एक तो एकदम सिंपल बन जाते हैं, ये थोड़ा सा वैसे बनते हैं, और बच्चे खा भी लेते हैं कभी कभार ना, दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। प्याज को अच्छे से भून लेंगे बढ़िया से, और ये देखिए अब डाल दूंगी मैं यहाँ पर टमाटर, तो टमाटर मैंने डाल दिया है और टमाटर को भी भून लेंगे। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना बनाते बनाते ही, तो बढ़िया लग रहा था। और अच्छे से ये टमाटर भी भुन चुके हैं, और अभी इसमें मसाले ऐड करते हैं, तो मसाले वही बेसिक वाले और धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब, और बस इनको भी अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा मैं पानी डालूंगी, तो ये नमक मैंने पहले ही डाल दिया है, कभी कभार मैं चावल के ऊपर से डालती हूँ लेकिन अभी डाल दिया है मैंने। और लास्ट में डालूंगी मैं इसमें घी, तो अभी नहीं डालेंगे घी, तो फिलहाल मैंने पानी डाला है अभी, और मसालों को अच्छे से फूलने देंगे, फूलने यानी कि अच्छे से थोड़ा देर उनको 2-3 मिनट उनको पकने देंगे, कम गैस में ढक्कन रख देंगे ऊपर से ऐसे ही। अभी मैंने ढक्कन हटा दिया है, अब बारी आती है आलू और चावल की, तो आलू चावल मैंने डाल दिया है और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर सोयाबीन बड़ी जो भिगाई थी उनका पानी निचोड़ के मैंने डाल दिया है चावल के साथ, और ये चावल मेरे नीचे गिर रहे हैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ट्राईपॉड पे नहीं लगाया है मैंने फ़ोन को अपने। तो यहाँ पर अच्छे से बढ़िया से मैंने ना भुन के ढक्कन रखा था, वो क्लिप डिलीट हो गई होगी चाहे वो एडिटिंग में गलती हो गई होगी, और बस 2-3 मिनट बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बस ये बहुत अच्छा होता है, कभी कभार दाल चावल खाने का मन नहीं करता है या अर्जेंट हमें बनाना है तो ये झटपट बन जाता है, इसमें टाइम ही नहीं लगता है। तो बस ढक्कन मार देंगे और इसको एक सीटी में निकाल देंगे क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पुलाव बन चुका है,
और दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी कौन सी रेसिपी लगती है अपने खाने में भी, और मैंने कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी बनाई वो ज़रूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और एक बार फिर से निकिता बहुत बहुत प्यार आप सब सब्सक्राइबर को, जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं सबको दिल से धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। तो चलिए दोस्तों मैं अब वीडियो को एंड कर देती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए राधे राधे, आप लोगों को भगवान खुश रखें, सुखी रखें और स्वस्थ रखें।